नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट न्यूज फॉर पटना सिटी से है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही हैं, जहां उम्मीदवार अपने क्षेत्रों में लोगों से जनसंपर्क और जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी कड़ी में पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी नंद किशोर यादव ने गुजरी बाजार इलाके में स्थित निजी स्कूल में जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने पटना साहिब में विकास को लेकर चर्चा की। वहीं पटना साहिब क्षेत्र में कर्मियों के बारे में भी जनता से वार्तालाप किया। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। में जनसंपर्क का कार्यक्रम था, मंत्री जी और जनता के बीच में संवाद का था कि मंत्री जी ने अपने क्या क्या विकास कार्यों किया और जनता को क्या उनकी और आवश्यकता, जनता ने अपनी बात रखी। यही कार्यक्रम तो हमारे बात को सुनाई नहीं। कहाँ पे, किस जगह पे किया गया था? यह है गुजरी बाजार सुदर्शन सेंट्रल स्कूल। आप अपना परिचय दे दीजिए। संजीव कुमार उप लड्डू चंद्रवंशी चित्रकूट मंडल महामंत्री पार्षद प्रतिनिधि। इस कार्यक्रम का एकमात्र संदेश यही है कि बाहर के जो भी रोके गए हेलीकॉप्टर कैंडिडेट हैं, उनका हम लोग क्या सम्मान करें। आज पूरे पटना साहिब में हर दल में हर तरह के नेता हैं, लेकिन लोकल नेताओं का इतना अपमान होते हुए भी अगर लोग पटना साहिब की जनता नहीं चेतेंगे तो वो भुगतेंगे। और हम चाहेंगे कि इस बार पूरी ताकत से पटना साहिब की जनता तय करे कि आने वाले दिन में जो ये चुनाव है, विकास वर्सेस विनाश का मुद्दा बन के आया है और हम एक ऐसे कद्दावर नेता का चुनाव करें जो हम लोगों के बीच हमारे दुख सुख साथी बन के रहे। अभी आपने देखा होगा कि कोरोना महामारी में इतना बड़ा दुख दर्द इस पूरे दुनिया में आया, पटना साहिब में एकमात्र नेता नंद किशोर यादव जी ने कितना बड़ा कार्य किया। हर घर में अन्न पहुंचाने का काम किया, दवा पहुंचाने का काम किया, उनके दुख सुख का साथी बने। ऐसे अगर नेता का हम लोग सम्मान नहीं करेंगे तो फिर किसका करेंगे। इसलिए हम आग्रह करते हैं कि इस बार का चुनाव जो है विकास वर्सेस विनाश का है और विकास को नंद किशोर यादव जी को